नमस्कार, पत्रिका टीवी के स्टेट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। से पहले की खबरों से रूबरू हो, आइए रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में मिल बाचे अभियान के नए सत्र की शुरुआत, सीएम शिवराज पढ़ाएंगे बच्चों को पाठ। सीहोर के लाड़कुई गांव में होगा कार्यक्रम का आयोजन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता बदलो रैली का आयोजन आज, उमरिया से पीसीसी चीफ कमलनाथ करेंगे शुरुआत, दिग्विजय सिंह और अजय सिंह भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की गुमशुदगी का वीडियो वायरल, फिल्मी गाने पर डांस करती आ रही है नजर, जनता ने की संसदीय क्षेत्र न आने की शिकायत। एसटी एक्ट के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, कांग्रेस और बीजेपी के विरोध में जमकर लगाए नारे, आंदोलनकारियों ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से संसद में बिल को समर्थन देने का मांगा जवाब। डेंगू से भिलाई में फिर एक युवती की मौत, निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज, शहर में अब तक 34 लोगों की मौत, प्रदेश में मौत का आंकड़ा हुआ 41 के पार। रायपुर में भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त ओपी रावत ने राजनीतिक दलों से मुलाकात की। इस दौरान विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने फर्जी मतदाता लिस्ट के बारे में चर्चा की। साथ ही कांग्रेस के जिले के कुछ कलेक्टर्स की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा की। कांग्रेस के साथ अन्य दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त से चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर कराने की मांग रखी और इलेक्शन से पहले शराब बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी रखा। राजनीतिक दलों की बैठक के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त, नोडल पुलिस अधिकारी, जिला निर्वाचन के अफसरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ मैराथन बैठक करेंगे। उनकी ये बैठक रात 9:45 बजे तक चलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त रावत अगले दिन 1 सितंबर को सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक जेल रोड स्थित होटल के सभाकक्ष में बैठक लेंगे, जिसमें आबकारी, आयकर, पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 12:00 से 1:00 बजे तक प्रेस वार्ता लेंगे। सीहोर के नसरुल्लागंज के लाड़कुई गांव में आज मिलबाचे मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों से सीधा संवाद करेंगे। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, डॉक्टर, इंजीनियर, समाज सेवी और गृहिणी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में जाएंगे, साथ ही बच्चों से बातचीत कर उनसे चर्चा करेंगे। इस दौरान बच्चों से रुचिकर प्रश्न, सामूहिक चर्चा, संवाद किया जा सकता है। स्कूलों में पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। आज उमरिया में मध्य प्रदेश कांग्रेस की सत्ता बदलो रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, राहुल सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, विधायक और संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। रैली का उद्देश्य जनता तक सरकार की नाकामियां पहुंचाकर उसे सत्ता से बाहर करना है। कांग्रेस का कहना है कि 15 सालों से प्रदेश में भाजपा की सरकार समाज के हर वर्ग का शोषण कर रही है। राज्य में अपराधियों का बोलबाला है, किसान सुसाइड कर रहे हैं, इसलिए सरकार को बदलने का समय आ गया है। मोदी कैबिनेट में विदेश मंत्री और विदिशा से सांसद सुषमा स्वराज का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सांसद सुषमा स्वराज चिट्ठी ना कोई संदेश वाले गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं। वीडियो में विदेश मंत्री स्वराज का पुराना वीडियो भी जोड़ा गया है, जिसमें वे विदिशा की जनता से वादा कर रही हैं कि वे हर महीने विदिशा आएंगी और 8 विधानसभा क्षेत्रों का 2 दिन में दौरा करेंगी। लेकिन स्थानीय निवासियों का कहना है कि सुषमा स्वराज अपना वादा भूल गई और 3 साल में एक भी बार वे विदिशा नहीं आई। न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गई। आज वादा करती हूं आपसे, जितना मर्जी विदेशों में मुझे जाना हो, जितना मर्जी मुझे दूसरी जगह काम हो, लेकिन इस संसदीय क्षेत्र में हर महीने आऊंगी और हर महीने 8 विधानसभाओं। वीडियो में स्थानीय लोग आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुषमा स्वराज जब से सांसद चुनी गई हैं, तब से विदिशा लौट कर नहीं आई। संसदीय क्षेत्र की जनता त्रस्त है, लेकिन मंत्री महोदया का कोई ध्यान नहीं है। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त के महीने में सांसद सुषमा स्वराज गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए थे। एक आध बार ही आई है विदिशा, उसके बाद तो पता ही नहीं है उनका। जब मैं क्षेत्र में नहीं आऊंगी, हर महीने में क्षेत्र में आऊंगी।
सुप्रीम कोर्ट में SC ST एक्ट के विभिन्न मामलों को लेकर सुनवाई चल रही है। वहीं SC ST एक्ट के संशोधन के विरोध में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में भारी विरोध देखने को मिला और स्थानीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विरोध का सामना करना पड़ा। जिला मुख्यालय के साथ शडोरा में सांसद सिंधिया का जमकर विरोध हुआ। यहां हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए और सिंधिया के काफिले को घेर लिया। लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी के विरोध में भी जमकर नारे लगाए। गांधी पार्क से स्टेशन रोड तक आंदोलनकारियों ने एक रैली भी निकाली। इस दौरान इस क्षेत्र में लगे कांग्रेस पार्टी के बैनरों को फाड़ दिया गया। आंदोलन कर रहे लोगों ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से संसद में बिल के समर्थन करने पर स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही झूठे मुकदमों को लेकर लोगों को हो रही परेशानी के बारे में बताया। ज्ञापन देने वाले लोगों से तो सिंधिया ने कहा कि नवंबर में हमारी सरकार बनाओ, फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे। बता दें कि प्रेस वार्ता में सांसद सिंधिया ने कहा कि लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है और इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनके क्षेत्र में किसी भी बेगुनाह को पर कोई कार्रवाई न। कांग्रेस एक बार फिर 77 विधानसभाओं में 27 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाताओं वोटर लिस्ट में नाम होने की शिकायत लेकर पहुंची। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव आयोग कार्य के प्रभारी JP धनोपिया, विधि विभाग के अध्यक्ष अजय गुप्ता, मीडिया विभाग की चेयरपर्सन शोभा ओझा और मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस ने कहा कि 31 जुलाई 2018 तक की जो मतदाता सूची तैयार की गई है उसमें 77 विधानसभा क्षेत्रों में 27,71,112 फर्जी मतदाताओं के नाम है। इससे पहले 21 अगस्त को कांग्रेस ने 53 विधानसभा होने की शिकायत की थी। इससे पहले 21 अगस्त को कांग्रेस ने 53 विधानसभा क्षेत्रों में 17,15,119 फर्जी मतदाता होने की शिकायत की थी। बाकी विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटरों को लेकर जल्द ही आयोग में शिकायत की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने 31 जुलाई 2018 को राजनीतिक दलों की बैठक में मतदाता सूची उपलब्ध कराई थी। इस सूची के आधार पर कांग्रेस ने शिकायत की है। पार्टी ने शिवराज के एक वीडियो को ट्वीट करने की शिकायत भी आयोग से की। इसमें आरोप है कि ट्वीट के जरिए CM ने चुनाव प्रचार किया है। इस वीडियो में डायल सॉ के साथ महिला पुलिस अधिकारी का इस्तेमाल कर महिला सुरक्षा की बात की गई है। पार्टी की आपत्ति पुलिस के इस्तेमाल को लेकर है। जबलपुर जिले की कैंट विधानसभा सीट में 10,000 से ज्यादा फर्जी मतदाताओं के नाम सामने आए हैं, जिसकी मतदाता सूची कलेक्टर छवि भारद्वाज को वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा ने सौंपी और कलेक्टर से मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की। कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा ने बताया कि कैंट विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में एक व्यक्ति का नाम कई जगहों की मतदाता सूची में लिखा हुआ है, ज्यादातर फोटो लिस्ट में एक समान है। कांग्रेस नेता ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि BLO के माध्यम से लिस्ट में हेरफेर कराया गया है, जिसके चलते चुनाव में जीत हासिल की जा सके। वहीं कलेक्टर छवि भारद्वाज ने बताया कि मामले की जांच के लिए SDM तहसीलदार और क्षेत्र के BLO की ओर से दी गई सूची का मिलान कांग्रेस की ओर दी गई मतदाता सूची से किया जाएगा। के लिए जो मतदाता सूची 30/7/2018 को घोषित की गई, उस सूची को लेकर कल 31/8/2018 को अंतिम दिन है। प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति के लिए 31 तारीख की डेट तय की गई थी। हमने बीच में जब ये प्रक्रिया चल रही थी पूरे कैंट विधानसभा में, हम लोगों ने मिलकर काफ़ी नाम कटवाए, कुछ नाम जुड़वाए, और क्योंकि ये अंतिम प्रकाशन था, इसमें कहा गया था नियमानुसार कि इसमें जो दावा आपत्ति पेश की जाएगी उसके बाद अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसमें हमने 10,535 वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम डबल हैं, कई के चार बार नाम हैं। तारीफ की बात यह है कि वही उसकी फ़ोटो एक ही है, उस व्यक्ति की, उस महिला की फ़ोटो एक है, उस नौजवान की फ़ोटो एक है, उस बुजुर्ग की फ़ोटो एक है, मगर उसके नाम अनेकों बार रिपीट किए गए हैं। ऐसे 10,000 नाम, 10,535 नाम हमने लिए हैं। अभी हमारे पास एक सूची और है जो कि हम आज ये लेके आए थे कि इसको आज दे दें। हमने जितने डबलिंग नाम है। छत्तीसगढ़ में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुर्ग जिले के भिलाई इलाके में डेंगू से एक युवती की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सेक्टर 5 निवासी मेगा साहू को बीते दिनों तेज बुखार होने के चलते सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान लगातार उसकी तबीयत बिगड़ रही थी और शुक्रवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि सिर्फ भिलाई में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं पूरे प्रदेश में अब यह आंकड़ा 41 हो गया है। वहीं डेंगू का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है।
हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने को कहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भोपाल दौरे पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के साथ हुई अफसरों की बैठक के बाद प्रदेश में जल्द ही एक बार फिर सर्जरी हो सकती है। इसमें एक दर्जन के करीब आईएएस और आईपीएस का तबादला हो सकता है। चुनावी तैयारियों को लेकर इन अफसरों के कामकाज से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है। जिनके तबादले किए जाने हैं उनमें वो अफसर भी बताए जा रहे हैं जो नेताओं के रिश्तेदार हैं, उन्हें भी हटाया जा सकता है। कई अफसरों को लेकर राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग कुछ अफसरों के कामकाज से नाराज है। चुनावी तैयारियों को लेकर इन्होंने व्यापक काम नहीं किया है। इसके चलते 2 संभागायुक्त और आधा दर्जन जिलों के कलेक्टर को हटाया जा सकता है। वहीं 3 जिलों के पुलिस अधीक्षक, 3 पुलिस जोन के IG भी बदले जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव कार्य में लगे अफसरों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। खासकर जिला निर्वाचन अधिकारियों के चुनाव संबंधी कार्यों की निगरानी के लिए एक प्रदेश स्तरीय विशेष सेल तैयार किया गया है, जो किसी भी चुनाव अधिकारियों के खिलाफ आने वाली शिकायत और जिला निर्वाचन अधिकारियों के चुनाव संबंधी कार्यों की निगरानी करेगी। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त आयोग ओपी रावत मैदानी अफसरों से चर्चा के दौरान कड़े निर्देश दे चुके हैं। बीजापुर में जवानों ने नक्सली ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त कर दिया है। मामला गंगालूर क्षेत्र के कुआंगोंडा के जंगलों का है। बताया जा रहा है कि गंगालूर इलाके के नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस जवानों ने फायरिंग करते हुए नक्सलियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद DRG और STF की टीम ने मिलकर नक्सली कैंप को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान जवानों ने मौके से नक्सली सामान भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि यहां नक्सलियों के 20 से अधिक कैंप सक्रिय थे, जहां नक्सलियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। शिवपुर जिले के बदरवास हाईवे पर तेज रफ्तार यात्री बस पलट गई। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि बस ग्वालियर से इंदौर जा रही थी, तभी ड्राइवर को नींद का झोंका आया और बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरकर पलट गई। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बस 70 से ज्यादा यात्री मौजूद थे। जबलपुर शहर में पनप रही हुक्का बार की संस्कृति अब पुलिस की नजर से तिरछी हो गई है। क्राइम ब्रांच टीम ने गोरखपुर क्षेत्र में संचालित हो रहे एक हुक्का बार में छापा मारा और हुक्का पीते कई युवक और युवतियों को पकड़ा। बताया गया कि गोरखपुर बाजार स्थित जगत मॉल में स्मोकी हुक्का बार संचालित होने की सूचना पर पुलिस ने बीती रात घेराबंदी करते हुए छापा मारा। पुलिस को देखते ही यहां पर बैठे रईसजादों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच करते हुए हुक्का बार के संचालन संबंधी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि यहां पर रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा है, लेकिन सूचना ये भी थी कि रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का बार का संचालन किया जाता है। गौरतलब है कि हुक्का बार पर जिला प्रशासन ने हुक्का बार पर रोक लगा रखी है। इसके बाद भी चोरी छुपे हुक्का बार संचालित किए जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने जांच करते हुए कार्रवाई की। सागर के मकरोनिया में उस वक्त जाम की स्थिति बन गई जब नशे में धुत एक युवक के बीच सड़क पर ही जमकर हंगामा किया। पहले तो काफी वक्त तक युवक सड़क पर हंगामा करता रहा और जब लोगों ने उसे हटाने की कोशिश की तो वो सड़क पर ही सो गया, जिससे काफी देर तक लंबा जाम लगा रहा, जिसके बाद राहगीरों की मदद से उसे वहां से हटाया गया और मामला शांत हुआ। सागर में स्वास्थ्य विभाग की संजीदगी का अंदाजा उसकी खुद के लिए व्यवस्थाओं को देखकर लगाया जा सकता है। डायरिया, डेंगू और मौसमी बीमारियों के खतरे के बीच लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहा स्वास्थ्य विभाग खुद कितना गंभीर है, इसका अंदाजा CMHO कार्यालय के पानी की टंकियों को देखकर लगाया जा सकता है। कार्यालय में रखी पानी की टंकियों की ना तो सफाई की जाती है और ना ही किसी भी तरह से पानी का शुद्धिकरण। सफाई ना होने से टंकियों के पानी में कीड़ों ने अपना घर बना लिया है। सफाई न होने से टंकियों के पानी में कीड़ों ने अपना घर बना लिया है और यही पानी कार्यालय के कर्मचारी और वहां आने वाले पीते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि खुद के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह बना स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कैसे गंभीर हो सकता है। बड़वानी के पानवाड़ी इलाके में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव एक कच्चे मकान में फांसी पर लटका हुआ था। युवक का मुंह और हाथ कपड़े से बंधे हुए हैं। इतना ही नहीं, घर के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था और अंदर की तरफ कुंडी पर तार बंधा हुआ था, जिससे आशंका है कि युवक की हत्या की गई है। युवक कौन है और कहाँ का रहने वाला है, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।
रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एक युवक की मौत के बाद परिजन ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए परिजन ने वार्ड में मौजूद डॉक्टर के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ कर दी। विभूति भूषण मिश्रा नाम के युवक ने कीटनाशक पी लिया था, जिसके बाद परिजन उसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर सुनते ही परिजन भड़क गए, डॉक्टर के साथ मारपीट करते हुए हंगामा कर दिया। अस्पताल में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने किसी तरह से डॉक्टर को परिजन के चुंगल से छुड़ाया और एक कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद परिजन ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। परिजन डॉक्टर पर सही समय पर इलाज न करने का आरोप लगा रहे थे। वहीं हंगामे की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा करने वाले दो लोगों को हिरासत में ले लिया। इंदौर में लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए पटवारी जाकिर हुसैन के घर समेत कई ठिकानों पर छापा मारा। लोकायुक्त की टीम ने हुसैन के घर दस्तक दी और दस्तावेजों के साथ कैश और ज्वेलरी की जांच की। टीम की कार्रवाई अभी भी जारी है, इसके बाद भी खुलासा हो पाएगा कि पटवारी के घर क्या मिला। जानकारी के मुताबिक जाकिर हुसैन के पास आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत भी मिली थी। अब तक की जांच में हुसैन के गाँव में 60 बीघा जमीन, 3 फ्लैट और 1 मकान मिला है। इसके अलावा 2 गाड़ियां, 1 बाइक और 5 लाख रुपये कैश मिले हैं। हालांकि उसके घर से मिले दस्तावेजों और अन्य सामानों का आंकलन किया जा रहा है। वहीं लोकायुक्त SP दिलीप सोनी ने बताया कि DSP संतोष सिंह भदौरिया और PS बघेल के नेतृत्व में टीमों ने अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे। हुसैन श्रीनगर में किराए से रहता है, उसके साले का घर श्रीनगर एक्सटेंशन में है, वहाँ भी लोकायुक्त टीम पहुंची। इसके अलावा सिल्वर स्प्रिंग रेडियो कॉलोनी शाजापुर के बोराई में भी हुसैन के रिश्तेदारों के घर भी लोकायुक्त पुलिस ने जांच के लिए पहुंची। लोकायुक्त पुलिस को उसके घर से जो भी दस्तावेज मिले हैं उनमें से ज़्यादातर उसके मामा सादिक के नाम से हैं, जो बैंक में वसूली का काम करता है। वहीं जाकिर खजवाना हल्का नंबर 30 में पटवारी है और 2005 में उसकी नियुक्ति हुई थी। उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की गई थी। टीकमगढ़ में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एम्बुलेंस के इंतजार में एक महिला ने खुले आसमान के नीचे ही बच्चे को जन्म दे डाला। काफी देर तक दर्द से कहराती रही, लेकिन उसके बावजूद कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया और आखिरकार उसने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चे का जन्म होने के बाद जननी एक्सप्रेस मौके पर पहुंची, लेकिन सभ्य समाज की तस्वीर देखिए कि तब भी कोई मदद के लिए आगे नहीं आया और ना ही एम्बुलेंस में मौजूद कर्मचारियों ने मदद की। महिला के पति ने ही किसी तरह उसे एम्बुलेंस में बैठाया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जा सका। जनसुनवाई के दौरान शिकायत करने पर एक बुजुर्ग किसान को जेल भेजने वाले नरसिंहपुर कलेक्टर अभय वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कलेक्टर की कार्रवाई के विरोध में शहर के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कलेक्टर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना के विरोध में लोगों ने शहर में एक मौत जुलूस निकाला और बुजुर्ग किसान को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए SP को ज्ञापन सौंपा। घटना 21 अगस्त की है, जब बुजुर्ग किसान PK पुरोहित खस्ताहाल सड़क की शिकायत लेकर जनसुनवाई में पहुंचा था। किसान की शिकायत सुनकर कलेक्टर साहब इस कदर नाराज हो गए कि उसे जेल भेजने के निर्देश दे डाले। इसके बाद बुजुर्ग किसान को 4 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। इंदौर में लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने और उनसे नियमों का पालन का अपील करने के लिए अनूठी मुहिम चलाई जा रही है। इंदौर में लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने और उनसे नियमों के पालन की अपील करने के लिए अनूठी मुहिम चलाई जा रही है। इस अनूठी मुहिम को चमेली देवी कॉलेज के सोशल क्लब 7 के छात्र चला रहे हैं। इसके तहत युवा आगामी 15 दिनों तक शहर के अलग अलग चौराहों पर जाकर टेप डांस कर लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देते हैं और उनसे अपील करते हैं कि वो वाहन चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों का पालन करें। गुरुवार के संस्था के छात्रों ने लैंटर्न चौराहे पर परफॉर्म कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में छात्रों ने अतिरिक्त प्रमुख सचिव के सामने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी में व्याप्त समस्याओं और महिला सुरक्षा गार्ड की तैनाती की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। छात्रों के हंगामे के चलते यूनिवर्सिटी के कुलपति को बैठक बीच में ही छोड़कर छात्रों से मिलने पहुंचना पड़ा, जिन्हें छात्रों ने ज्ञापन सौंप कर जल्द ही विश्वविद्यालय में व्याप्त समस्याओं को दूर करने की मांग की। तीसरी बार है सर, ग्रीन कार्ड धारी एक भी यहाँ से
वहाँ पे विभागों में जाओ तो वो लोग बोलते हैं कि। बालाघाट के खरखड़ी गांव में फसल बीमा योजना का लाभ दिए जाने की मांग करते हुए किसानों ने चक्का जाम कर दिया। बड़ी संख्या में किसान सड़क पर जमा हुए और चक्का जाम करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चक्का जाम कर रहे किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें जल्द ही फसल बीमा योजना का लाभ नहीं दिया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। किसानों का कहना है कि खरखड़ी सेवा सहकारी समिति में 550 किसानों ने पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत कराया था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते अभी तक सैकड़ों किसानों में से किसी को भी बीमा फसल की राशि नहीं मिल पाई है, जबकि जिले में 50 करोड़ रुपए की राशि आई थी। किसानों के चक्का जाम की खबर लगते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने अधिकारियों की एक नहीं सुनी और घंटों तक चक्का जाम जारी रहा। नीमच में भावांतर योजना के तहत हो रहे पंजीयन में अन्नदाताओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वर डाउन होने के कारण पंजीयन के करने में काफी देरी लग रही है, जिसके चलते किसानों की कतारें लगी हुई हैं और किसान लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तो हालात ये हैं कि किसानों का नंबर 2 से 3 दिनों बाद आ रहा है। छिंदवाड़ा में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया ओलंपिक स्टेडियम खेल मैदान संघ की उदासीनता की मार झेल रहा है। मैदान में जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं। आलम यह है कि खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रैक्टिस के दौरान अक्सर खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं। लापरवाही तब और ज्यादा देखने को मिलती है जब बिना तैयार कराए ही मैदान में प्रतियोगिताओं कराई दी जाती है। एक्सपर्ट की माने तो हर दूसरे साल मैदान में अच्छी घास के लिए कापू मिट्टी डालनी होती है, जबकि इस ग्राउंड पर मिट्टी डाले 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी सुध नहीं ली गई। जब इस बारे में ओलंपिक संघ के सचिव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रस्ताव पारित हो चुका है और बारिश के बाद मैदान का काम भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि ओलंपिक संघ में जिले का पदेन अध्यक्ष, कलेक्टर और सचिव, जिला शिक्षा अधिकारी होता है, जबकि अन्य पदों पर चुनाव के जरिए नियुक्ति की जाती है। युवा जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं के चलते मरीज परेशान हो रहे हैं। मरीजों को पौष्टिक आहार के बजाय सिर्फ मामूली नाश्ता दिया जाता है। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि मरीजों को जली हुई रोटियां और पानीदार सब्जी परोसी जाती है, जो कि खाने लायक नहीं होती। वहीं इस बारे में विभागीय अधिकारी से इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने मामले में मरीजों को कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। खंडवा के इमलीपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को जमींदोज किया गया। पुलिस और निगम की टीम ने मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई कर करीब 17 अवैध मकानों को तोड़ा। वहीं इस कार्रवाई के दौरान निगम को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। एक मकान पर जैसे ही निगम की टीम जेसीबी लेकर पहुंची तो कुछ महिलाओं ने विरोध कर आत्महत्या करने की धमकी दे डाली, जिसके बाद निगम को कार्रवाई रोकनी पड़ी। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत पात्र हितग्राहियों की मृत्यु पर उनके परिजन को अंत्येष्टि सहायता नहीं मिल पा रही है। चौराई समेत पूरे जिले में लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। इस मुद्दे को जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में उपाध्यक्ष शैलेंद्र गुवंशी ने उठाया। उपाध्यक्ष ने कहा कि राज्य शासन ने अप्रैल मई में ही साफ किया था कि पात्र हितग्राहियों की मृत्यु पर परिवार को तत्काल 5,000 रुपये की अंत्येष्टि सहायता दी जाए, भले ही उनका पंजीयन हो या ना हो। संबंधित अधिकारियों ने से इस ओर ध्यान देने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में ऐसे लोगों की हर संभव मदद की जाए। रायसेन के अजीत नगर से भोपाल जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे बस में सवार करीब 40 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा हाईवे पर बैठे पशुओं को बचाने के चक्कर में हुआ। जिस वक्त यह हादसा हुआ बस में 80 यात्री सवार थे। हादसा होते ही बस ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर मौके से फरार हो गया। इस दौरान सहयोग अच्छा रहा कि किसी भी तरह का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के चलते जबलपुर जिले के सबसे बड़े बरगी बांध के गेट 2 बार खोले गए हैं, जिसके चलते नर्मदा के किनारे लगे गवरी घाट, तिलवारा घाट सहित आसपास के जिलों में बांध प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बरगी बांध के गेट खोले जाने के चलते नर्मदा का
गवरी घाट तिलवारा घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। घाट के पास दुकानों को भी जिला प्रशासन ने हटा दिया है। वहीं होमगार्ड की एक टीम 24 घंटे तैनात कर दी गई है। नदी में बढ़ते पानी को लेकर जिला प्रशासन ने बोटिंग कर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं नदी में तैरने पर भी मनाही हो गई है। साथ ही घाट के आसपास रहने वाले साधु संतों को भी घाट से हटाकर ऊपरी सतह में भेजा गया है। घाट में तैनात होमगार्ड सैनिकों की माने तो वो पूरी तरह से अलर्ट हैं और जब जब पानी नदी में बढ़ता है तुरंत ही सीटी बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। गौरतलब है कि बरगी बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते बरगी बांध के 11 गेट खोले गए हैं और यही वजह है कि नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। दमोह जिले में पुलिस सरकारी स्कूलों में छात्राओं को साइबर क्राइम से बचने के गुण सिखा रही है। पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं को बताया कि परिवार के बाहर जाने की जानकारी फेसबुक या व्हाट्सएप पर शेयर ना करें, क्योंकि असामाजिक तत्वों की इसकी जानकारी मिलने पर वो किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसके साथ ही फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आने पर समझ लें, अगर व्यक्ति जान पहचान का नहीं है तो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। अपरिचित व्यक्ति फाइबर के माध्यम से आपका अकाउंट हैक कर सकता है। साइबर हमारे लिए वरदान है, लेकिन अगर सही ढंग से उपयोग किया जाए तो हमको वन टाइम पासवर्ड किसी शेयर नहीं करना। अब उन्होंने नया तरीका जनरेट कर लिया है। नया तरीका क्या है? सिम, जिस पर हमारा वन टाइम पासवर्ड आता है, उस सिम के पीछे जो कुछ नंबर लिखे होते हैं वो उन नंबरों को पूछने लगे हैं आजकल। उन नंबरों को पूछ कर वो दूसरी सिम जनरेट डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो वो वन टाइम पासवर्ड उनके पास आने लगता है। हमारे पास ना आकर अपराधियों के पास आने लगता है वन टाइम पासवर्ड। इंदौर के कैलाशपुरी इलाके में पार्षद प्रणव मंडल की ओर से रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हाड़िया भी मौजूद रहे, जिन्होंने महिलाओं से राखी बांधी और उनकी रक्षा करने का वादा किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी, जिन्होंने विधायक महेंद्र हाड़िया को राखी बांधी। युवा में सिंधी समाज की ओर से तीज पर्व का आयोजन किया गया। शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हुए तीज पर्व कार्यक्रम में महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी और दर्शकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम के जरिए प्रतिभागियों ने न केवल विध की संस्कृति को प्रस्तुत किया बल्कि समाज के लोगों को सांस्कृतिक संरक्षण के लिए प्रेरित भी किया। दमोह में लवकुश जयंती के अवसर पर कुर्मी समाज की ओर से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का शुभारंभ मुस्की बाबा धाम से किया गया और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए घंटाघर स्थित मानस भवन पहुंची, जहां भगवान लवकुश की पूजा अर्चना की गई और इस दौरान समाज के लोगों ने शहर के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। छिंदवाड़ा में पत्रिका के चेंज मेकर महानायक अभियान में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया गया और पत्रिका अभियान के जिले के टॉप चेंज मेकर देवेंद्र जैन ने कार्यक्रम में बैठे लोगों को स्वच्छ राजनीति के बारे में अपने विचार रखे। इस अवसर पर ओशो ध्यान केंद्र और आशा की किरण स्वयंसेवी संस्थान के वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। वहीं अधिवक्ता राजेंद्र नेमा, यज्ञेश शर्मा, दीपक नेमा समेत अन्य लोगों ने चेंज मेकर अभियान को सराहनीय कदम बताया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ातरीन खबरों के लिए बने रहें पत्रिका मध्य प्रदेश के साथ।